अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पॉलिटिक्स बॉक्स टीम इस वक्त जा रही है पूरे पाकिस्तान में, कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबली के हर हलके में जा रही है, और वहाँ जाके करेगी सर्वे, जानेगी कि लोग किसे वोट देना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देना चाहते हैं, या फिर किसी और जमात को वो वोट देना चाह रहे हैं। तो हम लोगों का रुझान आपकी तरफ पहुंचाएंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि इस वक्त कौन सी पार्टी जीतने की पोजीशन में है, क्योंकि पंजाब असेंबली के इंतखाबात 30 अप्रैल को हो रहे हैं, और इस हवाले से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी हो चुका है, नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल हो चुके हैं। इस वक्त मैं PP 270 कोट अद्दू में मौजूद हूँ। कोट अद्दू का ये हलका जहाँ गुज़िश्ता हम इंतखाबात में सरदार अशरफ खान रिंद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से कामयाब हुए थे, उन्होंने अहमद यार हंजरा साबिक सूबाई वजीर जेल खाना जात उन्हें शिकस्त दी थी। इस बार लोग किसे कामयाब करेंगे, किसे वोट देंगे, आपको कोट अद्दू के लोगों से मिलवाते हैं। वालेकुम सलाम। वोट किसे देने जा रहे हैं अगले इलेक्शन में, अशरफ खान रिंद साहब को, इमरान खान को वोट देने जा रहे हैं, जो भी आएगा, जो भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन में वोट किसे दे रहे हैं आप, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, किसे दे रहे हैं? हाली कोई पता नहीं। हाली सोचेंगे। अशरफ खान रिंद को दे रहे हैं, हंजरा साहबान को दे रहे हैं, कोई पता नहीं, अभी कोई फैसला नहीं किया, नहीं कोई फैसला। अस्सलाम वालेकुम। अगले इलेक्शन में वोट किसे दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून? इमरान खान को। अशरफ खान रिंद साहब को दे रहे हैं? जी हाँ। वोट किसका है, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, किसे देने जा रहे हैं? अभी तो किसी को इरादा देने का नहीं है, क्योंकि जो भी आता है ना वो जलील ही कर रहा है। किसी ने फायदा नहीं किया आपका? किसी ने भी फायदा नहीं किया। अभी जो आप मिलने आते हैं तो जो है ना अच्छा अच्छा बोलना इलेक्शन वोट हासिल करने के लिए, उसके बाद नजर नहीं, उसके बाद ना नजर आएंगे और ना जो है ना उन्होंने हाल हवाल करना है कि, तो फिर ये गुम हो जाते हैं बस ये। तो आपका जिला कोट अद्दू बन गया है, तो इस हवाले से तो अहम किरदार अदा हुआ होगा ना? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ऐसे जैसे रोड था वैसे के वैसे ही हर चीज़, ना कोई तरक्की हुई है, जैसे पहले था ना सेम वही हालात हैं। अशरफ रिंद साहब की कारकर्दगी कैसी रही है? बस वो पहले तो लोटा हो गया था, अब जो उनसे है ना तो वो जीरो पे है। अच्छा, मतलब तो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अगले इलेक्शन में वोट किसे दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, या क्यों इंसाफ, तहरीक इंसाफ के? तहरीक अशरफ रिंद साहब आ जाए, हाँ तो उनको भी देंगे, उन्हें भी दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। किसका, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी? किसका? तहरीक इंसाफ। अशरफ रिंद साहब का नहीं, उसकी जगह जो होगा, यानी कि पीटीआई का इनकी जगह पे कोई आएगा। सीधी सी बात है, झूठ नहीं बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसका है, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, किसका? तहरीक इंसाफ। अशरफ रिंद साहब का या किसी और का? कोई भी उठ जाए बल्ले की सीट पे, इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान को आपने वोट देना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अगले इलेक्शन में वोट किसे दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, किसे देने जा रहे हैं? पीटीआई को जी। पीटीआई को? अशरफ रिंद साहब आए, कोई आए, जो भी पीटीआई को, पीटीआई के टिकट पे आप किसे देने जा रहे हैं? पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई को? पीटीआई को। अशरफ रिंद साहब को? इंशाल्लाह। आप? इंशाल्लाह पीटीआई। रिंद साहब को? जो भी सीट पे उठेगा पीटीआई के टिकट पे, जो इंशाल्लाह कोई भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगले इलेक्शन में वोट किसका, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी? वो जिसका नसीब में होगा दे देंगे। अभी फैसला नहीं किया? नहीं, अभी नहीं फैसला किया। नसीब वाले तो इधर ही है ना, पहले भी तो दिल की बात है, जिसका नसीब में होगा दे देंगे। अच्छा कौन लगता है, इमरान खान, नवाज शरीफ? अच्छे हैं हमारे लिए, सारे अच्छे। आपका वोट किसका है? जिसको दिल करेंगे दे देंगे। अभी फैसला नहीं किया? नहीं। वजह क्या है? बस। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसे दे जाए, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, किसे दे रहे हैं? मैं निजाम मियां शबीर अली कुरैशी को। शबीर कुरैशी साहब को वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह ताला। वो बड़ा कम लिखाया थी, वो जबरदस्त माहौल बनाया थी, पूरे रोड चारों तरफ खिंडा सटे ने, जाल दा जाल खिंडा सटे थे, इंशाल्लाह वो हकदार है वोट का। टिकट अगर शबीर अली कुरैशी को ना मिला, अशरफ रिंद साहब को मिल गया, फिर किसे देंगे? हम फिर भी शबीर अली को देंगे। हम शबीर अली? आप किसे दे रहे हैं वोट? इमरान खान। इमरान खान का कोई भी आ गया है? अशरफ खान रिंद, जिंदाबाद। अशरफ रिंद साहब को वोट? जिंदाबाद। वालेकुम सलाम। इलेक्शन में वोट किसे देने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, किसे दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी को देंगे जी। पीपल्स पार्टी को देंगे जी? आप ही पीपल्स पार्टी को देंगे? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का यहाँ कौन होंगे? मीर आसिफ दस्ती। आप उन्हें वोट देंगे जी? जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगले इलेक्शन में वोट किसका है, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, किसका? पीटीआई का। पीटीआई का इंशाल्लाह। अशरफ रिंद साहब का?
जिसकी होगी। अशरफ रिंद ने तो काम ऐसा नहीं किया कोटे दो में, मतलब किसे टिकट मिल गया आपने वोट दे देना उसे इंशाल्लाह। आपका वोट नून लीग का है? नून लीग का। हाँ जी, हंजरा साहिबान का वोट है? हाँ जी। अहमद यार हंजरा नवाज शरीफ को देना हम तो वोट, नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ हंजरा साहिबान को टिकट ना दे किसी और को दे दे फिर हमने नवाज शरीफ को देना है जी। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी या कोई और? ओवरऑल तो अगर देखा जाए तो सर किसी के लिए नहीं है, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं है, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं है, तो सारी जमातें तो एक जैसी हैं। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, बाकी नवाज शरीफ हमें पसंद है उसको वोट देंगे। अच्छा, मियां साहब को वोट देंगे? हाँ जी। उनका उम्मीदवार अहमद यार हंजरा आ जाए या फिर कोई कोई भी आ जाए, आपने फिक्र नहीं करनी। हाँ जी। वालेकुम जी, अगले इलेक्शन में वोट किसे दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी? तहरीक इंसाफ को देंगे वोट। अशरफ रिंद साहब को देंगे? हाँ जी। तारीख इंसाफ का जो भी बंदा होगा उसके टिकट पे जो भी आ जाएगा आप जो भी आएगा टिकट, आपने ये फरवानी करनी है ना इमरान खान का वोट। पीटीआई मुझे टिकट दे दे, मुझे भी दे देंगे वोट आप ना, अगर आप पीटीआई में होंगे हाँ खड़े होंगे तो वोट मुझे भी दे देंगे आप। अस्सलाम। वोट किसका इलेक्शन में? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या कोई और? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को देंगे। इमरान साहब आ जाए, कोई आ जाए? नहीं नहीं, अशरफ रिंद को नहीं देंगे, शायद किसी और को जो मुंतखब होगा उसको देंगे। पीटीआई के टिकट पे अशरफ रिंद साहब को क्यों नहीं देंगे? बस उसके कोई अच्छे काम नहीं, उन्होंने काम नहीं किया ना। अच्छा। ये कोई भी काम नहीं किया उन्होंने। अगर उन्हें टिकट दे देगी फिर क्या करेंगे? तो फिर मजबूरन देना पड़ेगा उसको। अच्छा फ्रेंड को। इलेक्शन में वोट किसका? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी किसका? आज़ाद का इंशाल्लाह। अरशद सिद्दीकी साहब। अरशद सिद्दीकी साहब। अरशद सिद्दीकी साहब को वोट देंगे आप? इंशाल्लाह। आप किसे वोट? अरशद सिद्दीकी साहब, जिंदाबाद। सिद्दीकी साहब को देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये किस पार्टी के टिकट पे होंगे? आज़ाद उम्मीदवार इंशाल्लाह। अगले इलेक्शन में वोट किसे देंगे? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी किसे दे रहे हैं? भाई अभी कोई मकसद है वो नहीं बनाया है। अच्छा। जैसे कोई निजाम होगा इंशाल्लाह। पहले में से ही होंगे ना लोग, मतलब अहमद यार हंजरा या अरशद रिंद साहब, कुरैशी साहब? मकसद होगा फिर वो बाद में अभी सोचेंगे ना, अभी कोई मकसद है वो नहीं है। अच्छा। लीडर्स में कौन पसंद है? इमरान खान, नवाज शरीफ? नहीं, हमें तो नवाज शरीफ है उस तक। जी वालेकुम सलाम। किसे वोट देने जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी किसे दे रहे हैं इस बार? इस बार सियासत का जो है ना कोई खास जो है ना हमें पता नहीं चल रहा। अच्छा। तो इंशाल्लाह वोट तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का वोट है। मतलब रिंद साहब आ जाए, कोई आ जाए, पीटीआई को देंगे आप वोट? जी जी, वोट तो पीटीआई का ही है। पीटीआई को जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बताएं कि वोट किसे देने जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी किसे दे रहे हैं इस बार? देखो हमारे लिए तो दोनों ठीक हैं। है? दोनों ही ठीक हैं। अच्छा, दोनों ठीक है। काम करने कारगर्दगी जो है ना वो काम करने में है। अच्छा। अगर ये दिखाएंगे तो ये जीत जाएंगे, वो दिखाएंगे तो वो जीत। आप किसे जिताएंगे? हैं? जो अच्छे काम करेगा वही। मतलब आप वोट किसे दे जा रहे हैं? अशरफ रिंद को, अहमद यार हंजरा को, किसे देने जा रहे हैं? हमारे लिए तो दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक हैं? हाँ। दोनों में से देंगे वोट किसी को? नहीं, दोनों को ही राजी करेंगे। क्योंकि दोनों को कैसे राजी करेंगे? कह सकते हैं हम दोनों को कैसे राजी करेंगे? हैं? दोनों को कैसे राजी करेंगे? देखो जो अच्छे काम करेगा ना वही जीतेगा। देखिए वोट आपका एक है। हाँ। आप वोट अहमद यार हंजरा को देंगे या फिर अरशद रिंद साहब को, इनमें से दोनों कैसे राजी होंगे? दोनों ऐसे मियां, मैं मियां हूँ ना। हाँ। मैं एक वोट उधर दे दूंगा, बीवी उधर। ये घर के अंदर ही आप कैसे डिफरेंस करेंगे? मियां बीवी हम डिस्कस करेंगे ना। अच्छा। हाँ। आप अच्छा, आपका वोट किस तरफ जाएगा? हंजरा खानदान की तरफ या अशरफ रिंद साहब की तरफ जाएगा? हमारा तो हंजरा, क्योंकि हमारे करीबी यही है ना। अच्छा। दोस्त भी यही रहे हैं। यानी आपका वोट उधर जाएगा? हाँ जी। और आपकी अहलिया जो है उनका वोट रिंद साहब की तरफ चला जाएगा? जी जी। वालेकुम अस्सलाम। अगले इलेक्शन में वोट किसका? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स? मुस्लिम लीग नून भाई। मुस्लिम लीग नून का? बिल्कुल जी। हंजरा साहब को देंगे या किसी और को टिकट मिल गया उसे दे देंगे? नहीं, हंजरा साहब ऐसे बात है। वोट किसका? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी किसका वोट है? नून लीग का हमारा। मुस्लिम लीग का? वालेकुम सलाम। अगले इलेक्शन में वोट किसे देने जा रहा है? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी किसे दे रहे हैं? वोट तो पता नहीं क्या हक बनते हु कुरैशी इंशाल्लाह। किसका हक बनता है? अहमद यार हंजरा का, अशरफ रिंद का, कुरैशी साहबान का, किसे दे रहे हैं? हिंद सारे शहर वाले। हाँ। कोई नहीं सारा गैर तो क्या नहीं, सारे रहायशी हैं। ठीक है। बाकी सारे लाल हमसाया उठा पे मलिक अख्तर बरियार। अच्छा।
سر ہمسایا ہے نال دا اچھا اپ اسے ووٹ دینے جا رہے ہیں بھائی اگر اڑسی تو کڑے سو باقایا جڑا حق تو پن کسے پسند کرتا ہے تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون کو کسے پسند پارٹی ہے جو جڑا ہے نا وہ تحریک انصاف تحریک انصاف نمبر 1 کوال السلام علیکم جی وعلیکم السلام یار جو ابھی تک جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے تو جو میرا اپنا جو ووٹ ہے وہ تحریک انصاف تحریک انصاف کا رند صاحب آ جائیں انہیں دے دیں گے کسی دے جو بھی آئے گا دیں گے رند صاحب کا تو نہیں پتا دیکھیں گے پی ٹی آئی میں کون ہے ٹکٹ رند صاحب کو ملتا ہے تو پھر انہیں دیں گے ان کو تو مل ہی نہیں رہا ٹکٹ جو سنا ہے ہم نے ہمیں جاتا ہے تو پھر دیں گے انہیں ووٹ پھر ووٹ خان کا ہے بس خان کا ہے بس